इसलिए मेरे पास सैमसंग का टैब आया है जो योगी और मोदी वाला है, जिसमें वॉलपेपर लगा रहता है, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है मेरा। तो जैसे उसमें 100% वर्क किया था, ये भी ये ट्रिक भी 100% वर्क करेगी। और ये इसमें पासवर्ड डालने के बाद आदमी जब आगे बढ़ाता है, कोई भी जिसका मोबाइल होता है, ये टैब होता है सैमसंग का, सैमसंग का मोबाइल और टैब में 100% ये वर्क करेगा, तो ये आगे बढ़ता नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम बता देता है। ये देखिए पासवर्ड डाल के इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें एक एरर कोड शो कर जाएगा। तो ये जो जिस ट्रिक से हम करने वाले वो 100% वर्क करेगी। इसको वाईफाई से कनेक्ट करके करना पड़ता है, मेरा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर आपका नहीं कनेक्ट है तो इसको वॉल्यूम अप बटन से और इसको फॉर्मेट करेंगे पावर बटन दबा के। लेकिन हम इसमें एक ट्रिक जो आपको अगर अपने दिमाग से कर लेंगे तो ठीक, वरना वो ट्रिक आप मैसेज और कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आप लोग नीचे कमेंट करते नहीं हैं और लाइक वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि आपका काम तो हो जाता है और उसके बाद आप जो है कुछ थैंक्स वगैरह पे भी मैसेज भेजते हैं। तो अब जिसका ये प्रॉब्लम फंस जाएगा, अगर अपने दिमाग से नहीं कर पाएगा तो वो नीचे कमेंट करेगा, उसको हम बताएंगे। छोटी सी एकदम ट्रिक है, अगर अपना दिमाग लगा लेंगे तो कर ले जाएंगे, वरना फिर आप मैसेज या कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें सबके जितने सैमसंग मोबाइल योगी और मोदी वाले हैं, उसमें सैमसंग का टैब हो या मोबाइल हो या फिर ये लावा वगैरह के आते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम फंस जाती है, उसमें एक एरर मैसेज शो करता है। तो वो आपको हम दिखाएंगे कैसे इसको सही करेंगे। पास ये सैमसंग का नॉक्स मैनेजर, यानी कि योगी को मोदी जी वाला जो मोबाइल और ये टैब सैमसंग का होता है, इसमें ये आईडी लग जाती है और यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये एडिट भी नहीं होता है। और इसमें पासवर्ड डाल के जब आगे बढ़ाते हैं तो यूपी डिस्कोर की पासवर्ड डालने के बाद ये आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये एक एरर मैसेज शो करता है। तो मैं जो ट्रिक बताऊँगा आप इस्तेमाल करेंगे, इससे 100% आपका ये जो है ये बाईपास भी हो जाएगा और ये टैब और मोबाइल चलने भी लगेगा। लेकिन मैं एक इसमें ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा, या फिर आप अगर अपने दिमाग से कर लेगा तो ठीक, वरना फिर कमेंट में आप मैसेज करेंगे तब हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप इसमें लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करें अगर आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पहले आपको दिखा देते प्रॉब्लम क्या आ रही है। वाईफाई से ये कनेक्ट है मेरा और इसमें पासवर्ड डाल देते हैं TST और @123। तो 123 डाल के जब आगे बढ़ाते हैं इसमें, तो ये देखिए अभी इसमें एक एरर मैसेज शो करता है। तो वो एरर मैसेज इसको कैसे बाईपास करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये इस पूरी वीडियो में आप समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। और जिसका भी काम हो जाता है नीचे कमेंट करें, और अगर जिसका भी प्रॉब्लम फंस जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है टैब मोबाइल में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। और आपको इसका वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, इसकी वीडियो आपने देखा है, इसका लास्ट में मिल भी जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। जिसका वॉलपेपर योगी जी और मोदी जी वाला लगा हुआ है, वॉलपेपर अपना भी लगा सकता है, कोई चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट कर लेना है। और इसके जो प्रोसेस करने वाले हैं, इससे 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इसमें दिखा भी देंगे, जिसका एक से नहीं सॉल्व होगा वो 2-3 ट्रिक जो है इस्तेमाल कर लेगा, उससे आपका जो है ज़रूर हो जाएगा। तो और जिसका फंस जाता है, एक बार इसका वाईफाई नहीं कनेक्ट होता तो वॉल्यूम अप बटन से और पावर बटन दबा के इसको फॉर्मेट करेंगे पहले। फॉर्मेट करने के बाद फिर वाईफाई या फिर सिम से कनेक्ट कर लेंगे नेट, ताकि इसमें नेट होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें एरर KMA 5007, ये लाइसेंस एक्टिवेशन फेल्ड आ रहा है। तो इसका पासवर्ड तो सही डाल दिया है, लेकिन क्योंकि आईडी जो है इसमें पुरानी लगी हुई है, तो इसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसको मैंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर किया है, फ्लैश पूरा कर लिया है, और उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका एक बार फ्लैश भी कर सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर जब इसको क्लिक करते हैं तो ये क्लिक जो है यहाँ पर एडिट नहीं होता है। ये हम आपको कैसे एडिट करना है, यहाँ पर कैसे यहाँ आईडी चेंज करना है, वो हम आपको कमेंट जब आप करेंगे तो कमेंट में बताएंगे, या फिर आपको कॉल पे हम बताएंगे, क्योंकि यही मैं आपको ट्रिक छुपाने वाला हूँ। क्योंकि जिसका प्रॉब्लम जेन्युइन होगा वो कमेंट भी करेगा और फॉलो सब्सक्राइब भी करेगा। तो मैं इसको आपका वीडियो पॉज करके इसको एडिट कर देता हूँ। और इसमें यहाँ पर पहले TST@UPDISCO3 लिखा है, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक लेके जाएंगे। पहले इसको हटा देंगे 3 से, उसके बाद पासवर्ड सेम रहेगा, यहाँ पर पासवर्ड सेम रहेगा, खाली ये आईडी एडिट करेंगे। तो हम इसको रोक देते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं एडिट, वो कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एडिट कर दिया, यहाँ पर 3 नंबर था, अभी यहाँ पर 2 कर दिया है, 2 यार डाल दिया, और पासवर्ड सेम रहेगा, पासवर्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, TEST और @123। तो इसी तरीके से 2 आया है, फिर 3 तो कर चुके हैं, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेके जाएंगे, जिससे भी ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर तक काम करता है। जिससे भी हो जाएगा ये, आप उससे आगे बढ़ा लेंगे, फिर इसका स्किप का ऑप्शन आएगा, वो आपको आगे प्रोसेस बताएंगे। लेकिन ये एडिट करने वाला जिसको पता है वो कर लेगा, क्योंकि नंबर मैं केवल आपको बताऊँगा यहाँ पर, और जिसको नहीं पता है वो नीचे कमेंट करें।
और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करेगा तो मैं उसको फ़ोन पे जानकारी दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में जानकारी दूंगा। तो अभी यहाँ साइन इन हो रहा है और इनरोलमेंट सैमसंग नॉक्स थोड़ा वेट कर लेंगे। पूरा प्रोसेस आप देखेंगे इसमें बिना रुके हुए, क्योंकि ये सारा पूरा प्रोसेस नेट से होता है तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा वेट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी भी दो नंबर पे 5007 एरर आ रहा है, तो फिर अभी आगे बढ़ाएंगे इसको हम। फिर मेन होम पे आ गया, देखो यहाँ एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, एडिट नहीं हो रहा, यही ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, कमेंट करिए। अभी 2 कर चुके हैं, 3 पहले ट्राई कर चुके थे, अभी 4 नंबर ट्राई कर रहे हैं, फिर साइन इन कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पर, जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर दिखाते हैं आपको। अभी 5 नंबर ट्राई कर रहे हैं, 4 कर चुके हैं, 4 से नहीं हुआ। सब में एक एक नंबर डाल के ट्राई करना है, क्योंकि सबकी अलग अलग आईडी होती है, तो जो आईडी काम करेगी आपको मैं सारी ट्राई करके दिखा रहा हूँ। करना चाहूँ तो एक बार मैं कर सकता हूँ वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जितने लोग को अभी इसका नया वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए वो नीचे कमेंट करें, उनको हम देंगे। ये देखिए मैंने पूरा टैब को अनलॉक कर दिया है और ये नया यूज़र आईडी और पासवर्ड से हुआ है। पासवर्ड तो सेम है, लेकिन यूज़र आईडी जो लगती है वो दूसरी इसमें लगी थी, मैंने जो ट्राई किया था वो हुआ नहीं था। तो कमेंट करेंगे, मैं कमेंट में आपको एक एक को जवाब देता जाऊँगा। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और कैसे हुआ है पूरा प्रोसेस आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है यूज़र आईडी जो डाल रहे थे वो काम नहीं कर रही थी, तो फिर इसके बाद मैंने इसकी जानकारी लिया, फिर इसके बाद इसमें इसको अनलॉक किया।